किशनगंज जिले के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर आयोजित अमृत भारत स्टेशन योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में राजद और लोजपा रामविलास के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पीएम मोदी के द्वारा ठाकुरगंज स्टेशन को विकसित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन के द्वारा उन्हें आमंत्रित तो किया गया, लेकिन उन लोगों को मंच पर बिठाना तो दूर की बात, रेलवे प्रशासन द्वारा सम्मानित तक नहीं किया गया, जबकि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसी का विरोध कर राजद और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर बवाल किया। इस बीच राजद और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। राजद नेता मंच पर चढ़ गए और माइक लेकर रेलवे प्रशासन की जमकर क्लास लगाई। बाद में रेलवे प्रशासन और पुलिस के द्वारा दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को समझाने के बाद हंगामा रुका, लेकिन गुस्साए राजद नेता मोहम्मद मुश्ताक कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल गए। अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो ठाकुरगंज को सम्मिलित कर करके एक परिचय दिया, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोग्राम को चलाया जा रहा था उसमें ADRM कटिहार या जिनके द्वारा भी सभी पार्टी को आमंत्रित किया गया। एक प्रधानमंत्री देश का सर्वोपरि होता है और प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम था, लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा इस प्रोग्राम को भाजपा ही प्रोग्राम कर दिया गया। और एक तरफ से आप सभी पार्टी को बुला रहे हैं, भाजपा के लोगों को आप आदर कर रहे हैं, बाकी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ हुई जिसमें थोड़ा उद्रव हुआ। सम्मान के लिए तो हर कोई मरता है, अगर सम्मान नहीं हो, हमारे जाते हैं सब कोई, CM जाते हैं, PM जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कितना बड़ा भव्य सम्मान होता है, तो सम्मान के लिए तो हर कोई मर रहा है। जब यहाँ पर जब ऐसे ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया, फिर किशन बाबू पासवान को क्यों नहीं दिया? कहाँ पे सम्मान दिया गया? ठाकुरगंज में। किस जगह कहाँ? ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन में आज जो है अमृत, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों का विकास के लिए उन्होंने आज शिलान्यास किए, तो उस जगह पर जब सबको सम्मान मिला तो एक काम करने वाला को और एक जो है, इसका मतलब क्या होता है जातिवाद, इसका मतलब क्या था मेरी गरीबी, मैं तो ये समझ रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। सम्मान देने और नहीं देने की वाली बात, अब हम ही लोग आए, जो पहले आए वो पहले आगे में बैठे। बोर्ड हटाने की बात कही जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री की भी तस्वीर थी। नहीं, ऐसा कोई बात हम लोग के नज़र में नहीं है और ना हम लोग इस चीज़ को देखे हैं। रह गई बैठने और उठने की बात, तो जो जैसे आए वो बैठे, और कोई व्यक्ति अगर बैठ गए हैं उनको उठा करके किसी को बैठाया जाए ये उचित नहीं होगा। लोजपा तो NDA में है, फिर कैसे जो अब है? फिर यहाँ पार्टी का तो प्रोग्राम तो है नहीं, ये प्रोग्राम तो देश हित का प्रोग्राम है। सभी नेतागण वहाँ पहुँचे हुए, सारे लोगों को सम्मानित किया गया, मगर लोजपा नेता को सम्मानित नहीं किया गया, इसी को लेकर वो नाराज दिखे। एक भी लोजपा नेता को सम्मानित? देखिए, भूल हुआ हो, भूल के लिए खेद है, लेकिन ऐसा कोई वाली बात नहीं ना, ये पार्टी का प्रोग्राम था। अगर पार्टी का प्रोग्राम होता तो हम जिला महामंत्री होने के नाते न हम आगे सीट पर बैठे हुए थे, न दीर्घादिन जो है मंच पे बैठे हुए थे। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि 27.8 करोड़ की लागत से ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण होगा और इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
वहीं कार्यक्रम के दौरान राजनेताओं के हंगामे के सवाल पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। अच्छा, ये NF रेलवे में कटिहार मंडल में ठाकुरगंज स्टेशन जो अमृत भारत स्कीम के तहत मतलब उसको चुना गया है, इसमें लगभग 27 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण और डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे, जिसमें कुछ कार्य जैसे 12 मीटर चौड़ा FOB, उसमें लिफ्ट का, स्टेशन सपोर्टिंग एरिया का डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का काम, स्टेशन बिल्डिंग डेवलपमेंट और पैसेंजर मिट्टीज़ के नवीनीकरण का काम किया जाएगा और बहुत सी मतलब पैसेंजर मिट्टीज़ के लिए सुविधाओं का भी उपलब्ध की जाएगी। सर, आज के कार्यक्रम में देखा गया कि राजनीतिक दल आपस में कुटुंब में करने लगे क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया गया।